जुदा हूँ। इशारा लगा हुआ है, अभी जो है इशारा जो है ग्रीन हो जाएगा। बहुत ही प्यारा नज़ारा, जैसा कि आप सुन भी सकते हैं जमात हो रही है अंदर। नशा के करना सिगरेटें बढ़िया महंगी हो गई हैं। वेलकम टू अनाबिया व्लॉग। अनाबिया व्लॉग देखने वाले सभी बहन भाइयों को एक बार फिर खुश आमदीद। आज मैं आपको दिखाऊंगा फैसल मस्जिद। माशाल्लाह फैसल मस्जिद की तरफ हम जा रहे हैं। चौधरी जमशेद मेरे साथ है, जैसा कि मैं इसके पास आया हुआ हूँ इस्लामाबाद में। तो अभी हम जा रहे हैं फैसल मस्जिद की जानब। तकरीबन 5 से 10 मिनट की दूरी पर जो है फैसल मस्जिद वाकिया है। अभी हम रास्ते में हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा सेटअप, क्या सीन है रोडों के भाई, क्या बात है। चौधरी जमशेद, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक ठेकेदार है। ये हमारे अबाई गांव चक नंबर 237 से आया हुआ है। इसका अबाई गांव जो है वो चक नंबर 237 है। और ये इधर रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहायश पजीर है। माशाल्लाह क्या सीन है भाई। ये सामने आप प्लाजे देख रहे हैं और ये मारगला की पहाड़ियाँ और ये संतोरस। इंशाल्लाह अगला व्लॉग मेरा संतोरस का ही होगा। संतोरस में जाऊंगा और सारा सारा माहौल जो है मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। क्या बात है इस्लामाबाद की। इधर पार्क है, बच्चे खेल रहे हैं, क्या बात है। जी बिल्कुल, मैंने तो नोट ही नहीं किया लेकिन अभी नोट किया है। जैसे हम इस्लामाबाद में एंटर हुए हैं वैसे ही जो है ठंड लगना शुरू हो गई है। क्या बात है, इशारा लग चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। वफा करता है नशा करता है। नशा के करना सिगरेटें बढ़िया महंगी हो गई हैं। जी गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने फैसल मस्जिद की, फैसल मस्जिद के जो मीनार हैं वो नजर आ रहे हैं। जी जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं हम फैसल मस्जिद के। जितनी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए, आप लोग मुझे रिजल्ट देते हैं लेकिन इतना अच्छा नहीं देते। आप लोगों की मेहरबानी होगी अगर आप लोग जो है हमें सब्सक्राइब कर दिया करें। माशाल्लाह फैसल मस्जिद के बिल्कुल पास ही मारगला पहाड़ियाँ जो हैं नजर आ रही हैं। तू जुदा हूँ, इशारा लगा हुआ है, अभी जो है इशारा जो है ग्रीन हो जाएगा। जैसा कि इशारा ग्रीन हो चुका है अभी हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। 2 मिनट का रास्ता है आगे। वेलकम टू इस्लामाबाद फैसल मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम पहुंच चुके हैं फैसल मस्जिद में। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे बिल्कुल पास ही फैसल मस्जिद है। अब हम जो है फैसल मस्जिद के अंदर जाते हैं और आपको अंदर का व्यू भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। जमात हो रही है मगरब की, टाइम हो गया है काफ़ी सारा। जी आवाम देखें माशाल्लाह, बच्चे और लड़कियां औरतें सब जो हैं आए हुए हैं इधर। सामने कार पार्किंग स्टैंड है बिल्कुल मस्जिद के
पास ही। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंजर जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं मस्जिद के सेन में। जैसा कि आप देख रहे हैं हम मस्जिद के बिल्कुल सेन पर पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा नज़ारा। जैसा कि आप सुन भी सकते हैं जमात हो रही है अंदर। ये सीढ़ियां हैं ऊपर चढ़ने के लिए और ये लाइटिंग है, ग्लो वगैरह अभी जलाएंगे इनको। क्या बात है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। माशाल्लाह ये ठंडी ठंडी हवा, बहुत ही प्यारी हवा, बहुत ही प्यारी हवा। आवाम जो है नमाज पढ़ रही है और कुछ आ जा रही है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा नजारा, क्या बात है यार। अल्लाह अकबर जी। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे फैसल मस्जिद माशाल्लाह, और इसका वजू खाना जो है मैं आपको नीचे जाकर दिखाऊंगा। इसका वजू खाना जो है ये फैसल मस्जिद के बिल्कुल नीचे फ्लोर ग्राउंड है उधर बना हुआ है। मैं आपको वहां जाकर जो है सारा कुछ बताता हूँ उसके बारे में। माशाल्लाह जी ये फ्लोर ग्राउंड जो है उसकी सीढ़ियां हैं ये जी बेटा। माशाल्लाह बहुत बड़ा वजू खाना, क्या बात है जी। ये वजू खाने के सेंटर में जो है ये शावर लगे हुए हैं, इसको भर दिया जाता था पहले। ये बहुत खूबसूरत नज़ारा बनता था सैर व तफरी के लिए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारा था। अब जो है ये इन्होंने बंद कर दिया है। हाँ ये सीन है जी वजू खाने का। माशाल्लाह बहुत प्यारा सीन, माशाल्लाह अल्लाहु अकबर। ये दीवारों पर नसब की गई हैं आयात भी और इरशाद नबवी भी नसब किए गए हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। क्या बात है माशाल्लाह। क्या ही बात है। अब हम जो है वजू खाने से ऊपर मस्जिद की जानब जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों की मदद से हम जो है ऊपर जाएंगे मस्जिद में जी। ये आ गई सीढ़ियां और वजू खाना जो है ये पीछे हम छोड़ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं वो सामने वजू खाना है उधर। माशाल्लाह जैसा कि आप देख रहे हैं कि मस्जिद में नमाजी जो हैं वो नमाज पढ़ रहे हैं। दरवाजे जो हैं वो लॉक किए हुए हैं ताकि बच्चे जो हैं शोर ना करें अंदर। माशाल्लाह ये मैं सीन आपको शीशे में दिखा रहा हूँ, क्या बात है। माशाल्लाह लाइटिंग का भी बहुत एहतमाम किया गया है यहाँ पर। माशाल्लाह बहुत प्यारा निज़ाम, चेक करें क्या बात है भाई, क्या बात है। जैसा कि ये मस्जिद का अहाता जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, और वजू खाना जैसा कि मैं पहले आपको नीचे दिखा आया हूँ इसी के मस्जिद के नीचे। माशाल्लाह जी ये है जी मस्जिद का अंदरूनी मनाजर, बहुत प्यारा है। नमाजी जो है नमाज अदा करके बाहर जा रहे हैं। ये फानूस मुबारक माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, क्या बात है। बहुत कीमती कलीन जो है नीचे नसब किया गया फर्श पर, जैसा कि आप देख रहे हैं।
बहुत ही कीमती टाइल का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। माशाल्लाह जी, अल्लाह के घर में चहल पहल लगी हुई है, आवाम आ रही है जा रही है, क्या बात है भाई। ये तकरीबन रात 11-12 बजे तक, 1 बजे तक आवाम ऐसे ही आती जाती रहेगी, क्या बात है माशाल्लाह। तो आज का व्लॉग हुआ इख्तिताम फैसल मस्जिद के बारे में, जो भी कुछ था मैंने आपकी नज़र पेश कर दिया है। मिलेंगे नई सुबह के साथ, नया व्लॉग होगा। चौरी उस्मान को दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।